हेलो, मेरा नाम प्रिया सिंह है और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि मैं किसी के लिए बनाना चाह रही थी। एक यूट्यूबर है लखनवी कल रुचि के नाम से, उनका वीडियो मैं सिंस स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ। जब से गन्नू पैदा हुआ है अब तक मैं उनका सारा वीडियोस देखी हूँ और गन्नू की जर्नी सारी देखी, उनकी डिलीवरी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे सब कुछ मेरे को पता है। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताए थे कि वो एडमिट हो गए PICU में और उनको कुछ हुआ था, और वहाँ पे जाने के बाद अभी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं है कि आखिर उनको हुआ क्या है। और उनकी MRI हुई है, EEG भी हुआ है और रिपोर्ट्स अभी नहीं आए हैं, तो उनको पता नहीं कि बेसिकली उनको हुआ क्या है। और मेरा भी 2 साल का बेटा है और उसके बर्थ पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे और वो 1 मंथ के लिए वो NICU में एडमिट था। गन्नू भी 15 डेज के लिए एडमिट थे NICU में। और जो उनको जो हुआ है शायद उनके मम्मी पापा को भी पता नहीं था कि उनको हुआ क्या है, वो भी परेशान थे कि मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें ना करें, क्या हो गया अचानक से गन्नू को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली उनको कन्वर्जन आए थे, सीज़र आए थे, और हिंदी में आप बोल सकते हो उसको, उनको झटके आए थे। जो झटकों क्या सिम्टम्स से झटका आने से पहले ना या तो बहुत वॉमिटिंग होती है, लूज़ मोशंस होते हैं, या फिर जो आंखें हैं वो स्टेयरिंग होती है या साइड में सिर्फ देखती रहती, फ्रंट में देखती रहती, ऊपर में देखती रहती, और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आप कितना भी कुछ बोले आपको जवाब नहीं मिलता है बच्चे, या फिर जर्किंग ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ लेग्स, कुछ भी होता है वो झटके ऐसे झटकते रहते हैं। तो और इसका मतलब कि उनको कन्वर्जन आया है और ये 5 से 10 मिनट तक स्टे कर सकता है। अगर ये टाइम ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हुआ तो आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ेगा। और इसके दौरान सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है और हम जो बच्चे के पल्स है, हार्ट बीट है, या फिर उनका ऑक्सीजन लेवल है ड्रॉप करने लगता है, तो ऐसे में और इमरजेंसी बढ़ जाती है और परेशान हो जाते हैं लोग कि अब क्या करें ना करें। तो बहुत झटके आने की बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि बर्थ के समय में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, या फिर कुछ प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो जाती है, लेबर पेन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर या फिर बच्चे मेकोनियम कर लेते हैं, उन्हें इनहेल कर लेते हैं, तो उस वजह से भी आते हैं। तो मेरा बेबी का जो परेशानी था वो यही था कि मैं 13 आवर्स तक मैं लेबर पेन को टॉलरेट की थी और मेरा बच्चा मेकोनियम करके उसको इनहेल कर लिया था, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो गए थे और उनको फर्स्ट सीजर आया था जब वो 36 आवर्स के थे ओनली। तो फिर उसके बाद वो 1 साल तक बहुत अच्छे थे, 1 साल के बाद अचानक 4 मार्च 2020 को उनको पहला झटका आया, पहला सीज़र आया, और तब से लगातार वो हमेशा आता रहता जाता रहता। और डॉक्टर्स बोलते कि ये 5 ईयर्स तक ऐसे रहेंगे, उनको मेडिकेशन पे रखा गया है, पर प्रिकॉशंस के लिए अगर वो घर पे ऐसा हो जाता है तो हर बार हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका बहुत सारा रीज़न है क्यों आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में बच्चा कुछ खाया नहीं, जल्दी सो गया, तो उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो सुबह हो सकता है कि इससे उनको झटके आ सकते, कन्वल्जन आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि उनके खाने पीने के टाइम टेबल से ध्यान दें, उनको अच्छा से सुलाने से पहले उनको अच्छा से खिलाएं, उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको प्रॉपर स्लिप मिलना चाहिए, प्रॉपर उनको रेस्ट मिलना चाहिए, उनकी नींद पूरी होनी चाहिए। करीब बच्चों को 10 से 12 घंटों की नींद तो होनी ही चाहिए एकदम, और एक डे में एक नैपी टाइम होना ही चाहिए 2 to 3 आवर्स का। और खाने पीने में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब इंक्लूडेड करें तो ज़्यादा है, कार्ब्स को ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करने दे, TV ना देखने दे ज़्यादा, और इन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और सीज़र आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर कहीं जो ब्लिंकिंग लाइट्स होते हैं, डिस्को लाइट्स होते हैं, वहाँ से बच्चों को दूर रखें, फ्लैशिंग लाइट्स, उससे भी वो ट्रिगर करते हैं कन्वर्जन को। और
जो जब अगर अगर घर में अगर अचानक से वो आ जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर अचानक से आ जाता है, वॉमिटिंग करने लगता है, तो बच्चे को साइड करके आप इस तरह से सुला दें ताकि जो वो वॉमिट कर रहे हैं उनके नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू उनके लंग्स में ना जाए, बच्चा सेफ रहे। और एक स्प्रे आता है, ये मीडा सिप करके एक स्प्रे है, जो कि जब कन्वर्जन आते हैं बच्चे को तो तब आप तुरंत, जैसे ही आपको पता चले कि बच्चा थोड़ा सही नहीं लग रहा है, उसको शायद आने वाले हैं, शायद वो अनकॉन्शियस लग रहा है, थोड़ा सा वो आँखें इधर उधर कर रहा है या वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप ये जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा रहता है, मीडा सिप नाम से है, और आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इसको ओपन करेंगे और ये 3 times इस नोस्टल में और 3 times इस नोस्टल में, दोनों में 3 times आप दे सकते हैं इसको, और इससे फटाक से बच्चे जो है वो कॉन्शियस हो जाएंगे, जो अनकॉन्शियस रहते हैं, और उनका वो थोड़े से शांत हो जाएंगे या फिर बेहोश जाएंगे या फिर नींद में आ जाएंगे, वो सो जाएंगे। अगर अगर वो नींद से उठते हैं तो फिर वो अगर नॉर्मल रहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं, अगर कुछ इससे भी असर नहीं होता है तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आप बहुत सारा ख्याल रख के और प्रिकॉशंस लेके आप बच्चे को सेफ़ रख सकते हैं। हमारा मोटो बस यही रहेगा कि हम बच्चे को सेफ़ रखें। अगर वो आ जाता है तो फिर आप इस दवा का यूज़ कीजिए। आप एक ऑक्सीमीटर ले लीजिए, ऑक्सीमीटर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं बता देती हूँ, ऑक्सीमीटर ले लीजिए आप, उसको उसमें फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर आप उससे उस बच्चे का ऑक्सीजन लेवल आप उस एकदम कंटिन्यूसली चेक करते हैं, जैसे ड्रॉप होने लगे ना आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए, उनको एडमिट कर दीजिए। बस जो गन्नू को जो ये हुआ था वो कन्वर्जन ही था, और अगर वो नेक्स्ट अगर कभी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप ये रुचि दिए कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप में से किसी को भी अगर इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, कोई और मेडिकेशन पता है जिससे वो कंट्रोल होता है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, मुझे बताइए, मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे को अभी कंटिन्यूसली आ ही रहे, अभी बंद नहीं हुआ है, और शायद डॉक्टर बोलते हैं वो 5 years तक चलेंगे, वो पूरे ट्रीटमेंट के बाद भी वो आ जाता है। तो प्लीज़ डू शेयर, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कुछ आप बताना चाहते हों, हेल्प करना चाहते हों, तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।